नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 17 जुलाई 2023 की। कल यानी 16 जुलाई 2023 को शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के एक ट्विटर महाअभियान चलाया गया। उसी को लेकर के आपको मैं आगे ट्वीट भी दिखाऊंगा जिसमें लिखा है यहाँ पर सबसे पहले अपडेट न्यूज की कि नए आयोग के गठन का मुद्दा ट्विटर पर छाया रहा। प्रयागराज से न्यूज है, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर टीईटी और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। प्रतियोगियों ने यूपी वांट शिक्षा आयोग हैशटैग से ट्विटर पर नया शिक्षा आयोग के गठन और शिक्षक जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। रविवार दोपहर में एक समय यह हैशटैग ट्विटर पर टॉप करने लगा था। बेरोजगारों का कहना है कि पिछली भर्ती 2018 में निकली थी। वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112, नगरीय क्षेत्र में 12,149 पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। बाकी डीएलएड बीटीसी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल जी का कहना है कि सभी प्रशिक्षु जुलाई अंत तक सोशल मीडिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग जो है वो करेंगे। सकारात्मक परिणाम अगर नहीं मिलता है फिर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी गई है। बाकी अभियान में ये सभी लोग मौजूद थे। बाकी ऊपर एक समय ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड किया, ये भी यहाँ पर लिखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और अपडेट दिखा देता हूँ। शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर चलाया अभियान और यहाँ पर भी वही सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो ट्विटर ट्रेंडिंग का स्क्रीनशॉट जो कि कल मैंने लिया था। मैंने कल इसलिए इसको यहाँ पर नहीं बताया था ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि मैंने सोचा अगले दिन तक एक वेट कर लेते हैं। अगर ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, हो सकता हो आयोग की तरफ से कोई किसी प्रकार का बयान आता है तो उन सारी चीजों को इंक्लूड करके ही अगले दिन बता देंगे, परंतु कोई बयान वगैरह तो देखने को नहीं मिला है इसलिए डायरेक्ट हम आपको ट्वीट ही दिखा रहे हैं जिसमें यूपी वांट शिक्षा आयोग ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर, इंडिया ट्रेंड्स में आपको 101 ट्वीट जो है 1 लाख से अधिक ट्वीट के साथ पहले नंबर पर देखने को मिला। और सुबह के समय भी मैंने देखा था तो यहाँ पर जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था उसमें जब 17,000 के करीब ट्वीट थे तब 10:30 का समय जो है वो हुआ होगा। तो ये इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट ही है, कहीं ना कहीं जो दबाव है सरकार पर बनेगा और जल्द से जल्द आयोग देखने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखते हैं कि कितना और ज्यादा समय जो है वो लगता है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।